देश में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना के कारण आम जन संकट के दौर से गुजर रहा है। वहीं केंद्र पेट्रोल डीजल की दरें लगातार बढ़ाकर जनता से मुनाफा कमाने में लगा हुआ है। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रिलायंस ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए पिछले 16 दिनों में पेट्रोल डीजल में 9 रुपए की वृद्धि की गई है। आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की एक खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 16 दिनों से रोजाना डीजल पेट्रोल की दरें बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार को जनता के सामने दरें बढ़ाने के कारण रखनी चाहिए, जबकि वैश्विक स्तर पर तेल के दाम घट रहे हैं, तो ये लाभ जनता को देना चाहिए। सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दरों के हिसाब से डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करते हुए जनता को लाभ दिया जाना चाहिए था, इसके बजाय केंद्र सरकार जनता से मुनाफा कमाने में लगी है। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कोरोना संकट के समय में देश की जनता से ज्यादा केंद्र की भाजपा सरकार को रिलायंस की चिंता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल बहुत अधिक सस्ता हो रहा है, इसके कारण पेट्रोल डीजल 30 से 35 रुपए तक सस्ता होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर पेट्रोल डीजल को सस्ता नहीं होने दे रही। इसके पीछे केंद्र की भाजपा सरकार पर मुकेश अंबानी के रिलायंस समूह का दबाव है। यदि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अनुसार क्रूड ऑयल के सस्ता होने पर पेट्रोल डीजल सस्ते करके सरकारी कंपनियां बेचेंगी, तो रिलायंस कंपनी को भी पेट्रोल डीजल सस्ते बेचने पड़ेंगे और उसको बड़ा घाटा होगा। ऐसे में रिलायंस के पेट्रोल पंपों को जिंदा रखने व लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। मंत्री खाचरियावास ने आगे कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम आजादी के बाद पहली बार उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं, जबकि इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल आज तक के सबसे सस्ते नीचे के स्तर पर पहुंच चुका है। इस संकट की घड़ी में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सभी वस्तुएं महंगी हो गई हैं, लेकिन जनता के दुखों से केंद्र सरकार को कोई सारोकार नहीं है। खाचरियावास ने इसके साथ ही कहा कि पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ाए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर केंद्र सरकार की नीतियों और तानाशाही के विरोध में पंपलेट बांटेंगे और जयपुर शहर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10,000 पोस्ट कार्ड भेज कर जनता के आक्रोश से अवगत कराएंगे। बता दें पिछले 16 दिनों से रोज डीजल पेट्रोल की दरें बढ़ रही हैं। सोमवार को भी पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 57 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। प्रदेश में 7 जून से अब तक पेट्रोल के भाव 8.86 और डीजल के भाव 9.34 रुपए प्रति लीटर तक चढ़ चुके हैं। सोमवार को पेट्रोल के दाम 35 पैसे चढ़कर 86.65 रुपए और डीजल के भाव 57 पैसे की तेजी के साथ 79.67 रुपए प्रति लीटर पहुंच गए हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।